आशुतोष जी, ऐसे वक्त पर जब परिस्थितियां टकराव की हैं भारत और चीन के बीच, सेना वहां पर परिस्थितियों को संभाल रही है, ये जो रोजाना सामने सामने कांग्रेस और बीजेपी हो रहे हैं जिसमें कांग्रेस बहुत आक्रामक है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। सीधा हमला प्रधानमंत्री पर, उनके नाम को बदलकर अलग अलग तरीके से राहुल गांधी प्रहार कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त पर इतिहास के उन पन्नों को खंगाल कर बीजेपी समझा रही है कि आपके पास वो नैतिक हायर मॉरल ग्राउंड जिसे कहते हैं स्थानी नहीं है कि आप बीजेपी पर हमला करें, इसीलिए पुरानी बातें उखाड़ रही हूं। और जे सिंह साहब कह रहे थे कि हाँ, सियाचिन पर समर्पण के मोड में यूपीए सरकार थी, मैंने और एनएसए ने खुलकर विरोध किया जिसकी वजह से ये रुका। नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दो तरीके की बातें होती है। एक तो ये होती है कि भाई इस वक्त चीन के साथ संकट है तो किसी को बोलना नहीं चाहिए। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं क्योंकि मैं मुझे मालूम है कि 1962 में जब भारत और चीन के बीच में लड़ाई चल रही थी, और वो वाकई में लड़ाई चल रही थी, तो उस वक्त देश के जो बाद में प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरीके से नेहरू पर अटैक किया था, राम मनोहर लोहिया ने जिस तरीके से नेहरू पर अटैक किया था, वो और उसकी वजह से बीच जब युद्ध चल रहा था तब संसद बुलानी पड़ी, तो संसद के अंदर नेहरू को खड़े होकर जवाब देना पड़ा था। वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इस देश का और एक डेमोक्रेटिक मूड है इस देश का। आज की स्थिति बिल्कुल अलग हो गई है कि आज आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, आज आप सरकार से अगर आप सवाल करेंगे तो आपके पूरे खानदान को निकाला जाएगा और उसके बाद गाली गलौज का एक दौर शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस वक्त जो स्थिति पैदा हो रही है राजनीतिक स्तर पर, जो लड़ाई है वो लड़ाई चलेगी। अगर आज कांग्रेस की जगह, अगर आप मोदी जी की जगह अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का होता तो यही बीजेपी के लोग निश्चित तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते। पहली बार नहीं खड़ा किया, जब 26/11 हुआ था तब भी कटघरे में खड़ा किया गया था, और उसके बाद जब तमाम तरीके से जब डेपसोंग का मामला आया था तब भी कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया गया। अगर सरकारों को विपक्ष अगर कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे तो अपनी भूमिका निभाएंगे नहीं, सरकारों को इस बात का जवाब देना चाहिए। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, इस वक्त चीन के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत को झूठा करार देने की कोशिश की। मुझे लगता है कि बहस इस बात पे होनी चाहिए। उन्होंने, चीन ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई 6 जून को जो हमारा समझौता हुआ था उस समझौते के तहत तो गलवान घाटी पर से भारत को पीछे हटना था। इसका कड़ा से कड़ा जवाब देना चाहिए, क्योंकि चीन जो है वो डिसेप्शन की राजनीति में, पीठ में छुरा घोपने की राजनीति में बहुत आगे है, और इसी तरीके से उसने 1962 में भारत को धोखा दिया था और भारत की जमीन कब्जा की थी और भारत पर हमला किया था। मुझे लगता है कि सियाचिन का मसला हम 10 दिन बाद बैठ के तय कर लेंगे, लेकिन आज भारत सरकार को मजबूती के साथ चीन के इस धोखे का और जो पीठ में छुरा घोपने की कोशिश आज उनके विदेश मंत्रालय और चीन और जो रक्षा मंत्रालय ने की है उसका कड़ा से कड़ा जवाब देना चाहिए। राजीव प्रताप रूडी जी, देखिए पता नहीं आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो राजनीतिक विश्लेषक जब भी होता है ना तो कभी कोई कांग्रेस की पक्ष रखता है, कभी बीजेपी की पक्ष रखता है। आशुतोष जी को जब से विश्लेषक बने हैं राजनीति से लौटने के बाद, ये कांग्रेस के पक्ष का ही एक विश्लेषण करते हैं और बीजेपी के खिलाफ का, तो मुझे लगता है कि ये शब्द हटा देना चाहिए, इनको भी पैनलिस्ट घोषित कर दीजिएगा। कहते सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, कहाँ कोई रोकता है, ऑल पार्टी मीटिंग होता है, पार्लियामेंट होता है, हम सब रोजा आप लोग हम लोग अगर बीजेपी के प्रवक्ता बैठते हैं तो आप सवाल पूछते हैं, हम सवाल का उत्तर देते हैं, आपके भी प्रश्नों का उत्तर सुनने वाले लोग होंगे, आपसे सहमत होंगे असहमत होंगे, मेरे भी प्रश्नों के उत्तर सुनने वाले लोग होंगे, सहमत होंगे असहमत होंगे, तो इसमें लोकतंत्र में हम रोक कहाँ लग रहे हैं। पहले तो इतना बड़ा चैलेंज नहीं था, एक दूरदर्शन हुआ करता था, आज तो सैकड़ों चैनल है, हर बहस हर लोगों तक जा रहा है, और ये जब आप देश के प्रधानमंत्री को झूठा करार देते हैं, भाई ये कहाँ हुआ है देश में, लोकतंत्र खत्म हो गया है कि विपक्ष नहीं पूछ सकता है। रोज सवाल पूछे जाते हैं, आपके एक सवाल के जब उत्तर में हम लोग 100 जवाब देते हैं तो आप और बौखलाते हैं, तो फिर कांग्रेस से नहीं पूरा जो होता है वो आशुतोष जी ले लेते हैं। तो ये जो पैटर्न है ना आशुतोष, ये कुछ जमता नहीं है लोगों को कि आप बीजेपी देखिए भी हमारी सरकार है, हमारी मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हम किसके बारे में बात करें, आप लोग घूम फिर करके देश के प्रधानमंत्री के पास आते हैं तो ट्रैक रिकॉर्ड पूछिए। जब पूरी हुआ तो हम लोगों ने घुस करके वहां पर जवाब दिया, जब पुलवामा हुआ तो हम लोगों ने जवाब दिया, अब देश के प्रधानमंत्री ने कहा है हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, तो हम तो एक्शन ले ही रहे हैं। आप नक्शा लेके बैठ रहे हैं, फौज के जो लोग अवकाश प्राप्त हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, फौज तो नहीं आती है कहने के लिए, फौज का तो स्पोक्स पर्सन देश के प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जीत गए हैं, हमारा एक इंच जमीन नहीं गया, अच्छा आपको क्या कठिनाई है, मान लीजिए हम नहीं जानते हैं भाई, अगर वो हम लोग घुस के ही बैठ गए थे तो आपको क्यों परेशानी है, बैठे थे तो बैठे थे,
अब आप लोग इसका बात कर, मान लीजिए हमारे हमारे फौज चले गए अंदर, तो ये परसेप्शन है, चीन का जो लाइन है कोई बॉर्डर तो बना नहीं है, परसेप्शन है। अब आशुतोष जी को ये चिंता है कि जब चीन ये कह रहा है कि तुम मेरे क्षेत्र में घुस गए तो बड़ी अच्छी बात है, हम पहले से घुसे हैं, इसका मतलब जितने लोग थे अभी तक जितनी आपकी चर्चा थी वो गलत है, क्योंकि आपने सबने कहा कि वो घुस गए थे, तो क्यों देश के लोगों को आप लोग मिलजुल के इस तरह से कर रहे हैं? कोई साफ साफ बता दीजिए, आप ना वहाँ फील्ड में, ना मैं वहाँ फील्ड में हूँ, ना अंजना जी तो पढ़ाई कर करके आप तो इतना चीज बता देती है कि हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, हम लोग को देखना पड़ता है सब उठा उठा करके, तो हम लोग ज्ञानी नहीं है भाई, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिस विषय में ज्ञान होगा उसमें आप मुझे सिविल एविएशन पर बात कीजिएगा तो मैं आपको 100 पॉइंट बता दूंगा, लेकिन मैं डिफेंस एक्सपर्ट थोड़ी ना हूँ। आप लोग दिन भर कांग्रेस के प्रवक्ता आके ऐसे बातें कि पूरे भारत की राजनीति और चीन के राजनीति का इतिहास पढ़ा हुआ है, सब लोगों ने पीएचडी लिया हुआ है, और देश के प्रधानमंत्री गलत बोल रहे हैं, कैसे कर, देश की फौज गलत बोल रही है, कैसे चलेगा देश?